वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डायरेक्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको आप में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये इस बारी एंजल नंबर्स रखे हुए हैं 111, 222 and 333। तो आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत से लोग तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया था तो आप कर लीजिए और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, शुरुआत होगी 111 से और फिर वैसे ही नंबर से 222 and 333। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, सो गाइस, जिन्होंने ये वाला नंबर चूज़ किया है 111, एंजल नंबर 111, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में, आपके अंदर किन चीज़ों को पसंद करते हैं और किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 111 एंजल नंबर का मतलब क्या है। ओके गाइस, क्योंकि जिन लोगों ने इसे चूज़ किया है इसका मतलब है उनको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, तभी उन लोगों ने चूज़ किया है। गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आपको 111 दिखता है ना कहीं भी, तो उसका मतलब ये होता है कि एंजल्स जो है ना हमारे, वो हमें ये बताना चाहते हैं गाइस कि अगर आप किसी भी आपकी कोई विश है और उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आप उसको मैनिफेस्ट करते रहें, उसे रोकिए नहीं। ठीक है, ये नंबर तब दिखता है जबकि आपकी एनर्जी लो हो रही होती है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोई विश है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो पूरी होती हुई आपको नहीं दिख रही, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो तो हो ही नहीं रहा जो काम होना चाहिए था, जितनी मेहनत में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं उस तरीके से जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, ठीक है ना, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई वो सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं, आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, आपका दर्द महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी कोई चीज़ होती है या नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए वो आपसे कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन आपको अपना नहीं रोकना है, करते रहना है, हताश उदास नहीं होना है क्योंकि उन सारी चीज़ों से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप रोते हो और बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तकलीफ़ में रहते हो, रात रात भर सोते नहीं हो, खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, तो इन सारी चीज़ों से क्या आपकी विश पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। वो तभी होगी जब आप उसके लिए काम करेंगे। और अगर आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि होगा, अपने टाइम पर होगा और वो टाइम आएगा। लेकिन एंजल्स कब वो टाइम लेकर आते हैं वो उन पर निर्भर करता है, क्योंकि एंजल्स जो है ना हमारे, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं गाइस। वो ये नहीं करते कि जल्दबाजी में कुछ भी आपको दे दें और फिर वो चीज़ आपके पास से फिर से चली जाए। वो परमानेंटली लेकर आएंगे आपके लिए जो भी आपको चाहिए। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई आता है जाता है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं मैनिफेस्ट करो, आप चीज़ों को स्टेबल बनाओ, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, ठीक है ना, तो एंजल्स जब उस पर्सन पर काम करते हैं तो उसकी मेंटालिटी को ऐसा चेंज करते हैं, उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि आप जिसके साथ ऐसा कर रहे हो ना, आप गलत कर रहे हो। और इस बारी जब वो बंदा या बंदी आते हैं ना, तो फिर वो कभी ना वापस जाने के लिए आते हैं। तो ये तो अच्छा है ना, टाइम लग रहा है तो क्या हुआ। वैसे ही जॉब का मैं कह दूँ कि किसी की जॉब लगती है फिर हटती है, फिर कुछ ना कुछ होता है, तो एंजल्स चाहते हैं कि इस बार जो आपको जॉब मिले वो ऐसी हो कि आपके लिए हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है, परमानेंटली आप सेटल हो जाओ, तो उसमें अगर थोड़ा टाइम लग भी जाता है तो क्या है। ओके गाइस, और मुझे ये भी पता है कि सबको शायद ये बात अच्छी भी ना लगे, तो मैं उनके लिए भी कहूँगी कि अगर आप सोचते हो कि आपने मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर लो, फिर सोच ही लो कि मूव ऑन करना है, फिर बीच में अटकने का कोई फ़ायदा नहीं होता, या तो मूव ऑन करना है या फिर रहना है, रहना है तो फाइट करना है, मूव ऑन करना है तो फिर और भी जितने ऑप्शन है उनको देखना है, ठीक है ना। सो ये था 111 का नंबर का मतलब। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो एंजल्स कहना चाहते हैं 111 के थ्रू, कि अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है ना, तो उन चीज़ों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं, जो आपको ये इस तरीके से बातें करते हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो या आपको दर्द हो, ठीक है, लाइक आपका अगर पास्ट अच्छा नहीं रहा तो आपको बार बार आपका पास्ट याद दिलवाएंगे, या फिर प्रेजेंट में कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही तो उन्हीं टॉपिक
को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको खुश रखते हैं, उनके साथ रहो, ना कि उनके साथ जो कि आपको तकलीफ देते हैं, ठीक है ना, या आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है, कम से कम बात करनी है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, इनकरेज करे, खुश रखे, तो बेहतर है कि आप अपना समय अपने साथ बिताएं, या फिर बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देखें, मेडिटेशन करें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। क्या सिर्फ यही नहीं होता है ना कि हम किसी से बात ही करें, अगर हमारे लाइफ में कुछ इस तरीके के लोग हैं जो हमें हमेशा तकलीफ ही दे रहे हैं, हमें डिप्रेशन में पहुंचा रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहने का क्या फ़ायदा है, नहीं रहना चाहिए, है ना। वो करो जो आपको खुशी दे, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है। सो ये भी इस नंबर का मतलब होता है, मैंने समझाया भी था आई थिंक काफ़ी डिटेल में, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं पता था तो मैंने बता दिया। ओके गाइस, तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके आप में किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को ना पसंद। तो चलिए हम निकालेंगे कार्ड्स और पूछेंगे यूनिवर्स से। ओके, तो चलिए शफल करती हूँ। हालांकि मैं कर चुकी हूँ शफल, लेकिन फिर भी करूँगी। ओके गाइस, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई थिंक बहुत ही स्ट्रांग है आप लोग भाई, बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुछ लाइफ में आपने झेला है, बहुत कुछ सहा है, और उसके बाद भी आप नहीं रुके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एनर्जी ओरेकल से भी कार्ड्स निकालूंगी, पहले मैं देखूंगी कि आप में क्या उनको पसंद है, फिर देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। द वर्ल्ड, ओके, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई थिंक उनको 11 भी बहुत दिखता होगा, 11 11, 111 तो दिखता ही है, 11 11 भी दिखता है। ओके ओके गाइस, गाइस मैं एक बात और आपसे कहना चाहती थी आप लोगों से, कि कभी कभी ऐसा होता है मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, और उस वक्त जैसे मैंने एक रीडिंग अभी करी थी और उसमें एक कार्ड था कंपैरिजन का, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ बोला था, मैंने कम्युनिटी में डाला भी था। गाइस ऐसा होता है जब हम लोग रीड करते हैं, हम रीडर्स, मुझे सबका नहीं पता लेकिन मैं अपनी बात बता देती हूँ, तो मैं अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा सुनती हूँ, कार्ड्स को कम देखती हूँ, ठीक है ना। और उस वक्त क्या होता है, जब मैं किसी की एनर्जी फील कर पा रही होती हूँ, उस वक्त मुझे जो भी सुनाई देता है, जो भी सामने दिखाई देता है, मैं वो बोलती चली जाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ मुझे समझ आता है लेकिन मैं उतना नहीं बोल पाती। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बहुत कुछ, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो मैं देना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं दे पाती, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा हो सकता है कभी कार्ड कुछ और आए, मैं कुछ और बोल दूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ एनर्जी में कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने लास्ट में जो एक रीडिंग करी थी कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का मैंने बोल दिया था, कंपैरिजन था, कॉम्प्रोमाइज़, मैं फिर से कॉम्प्रोमाइज़ बोल रही हूँ, देखिए। उसके बाद मैंने उसको सुना भी लेकिन मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हम कुछ बोलते हैं ना, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है। मैं चाहती तो वो डिलीट भी कर सकती थी, वापस से फिर से बना सकती थी वीडियो आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूर इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं है, और मैंने फिर उसको अपलोड किया और वो रेजोनेट हुई भी, ठीक है ना। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, एक्चुअली मैं पहले नहीं करती थी। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं वीडियोस में कहती हूँ कि देखिए यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नहीं दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अर्थ साइन है, या एयर साइन नहीं दिख रहा, फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर एयर साइन है, ठीक है ना। कार्ड नहीं होता फिर भी मैं बोलती हूँ। मैं क्यों ऐसे करने लगी गाइस, क्योंकि पहले मैं नहीं करती थी, पहले मैं वही करती थी कि ठीक है कार्ड जो सामने आया मैं वही बताऊँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो एक चीज़ मेरे अंदर आने लगी कि मुझे
मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों को यहाँ पर हील करने आई हूँ, ठीक है, उनको गाइड करने आई हूँ। तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, जो यूनिवर्स, जो बाबा मुझे कह रहे हैं कि बोलो, तो मुझे वो चीज़ बोलनी चाहिए, मुझे अपने अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि ये गलत होगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि मैम कार्ड तो वहाँ पर नहीं था, आपने फिर भी बताया, तो मैंने इसीलिए बताया गाइस। आपको फिर मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो आप सुन सकते हो, अगर आपको लगे कि नहीं ये हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना मुझे स्ट्रेस दे रही थी, तो मैंने फिर वो करना शुरू कर दिया। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन फिर मैंने करना शुरू कर दिया। मुझे जो फील होगा, जो एनर्जी मैं पिक करूँगी, जो यूनिवर्स मुझे कहेगी, क्योंकि फिर मुझे तकलीफ़ होती है गाइस। बाद में मैं पूरा पूरा दिन सोचती हूँ कि मुझे ये मैसेज भी देना चाहिए था, मुझे ये चीज़ भी कहनी चाहिए थी, मैंने नहीं कही। तो मैं उसमें नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वो खुलकर आपसे शेयर करूँ। वैसे भी सब कुछ तो मैं वैसे भी नहीं बता पाती, क्योंकि कितना लंबा वीडियो बनाऊँगी मैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है ज़रूरी है, मैं बोलूँगी। हो सकता है कार्ड हो ना हो, कार्ड कुछ और हो, मैं बोलूँ कुछ, लेकिन हाँ, मुझे जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, वो मैं कहती हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन की सुनती हूँ गाइस। और मैंने चैनल जब बनाया था तब मैंने यही सोचा था कि मुझे लोगों को हील करना है, गाइड करना है, और मेरे पास कार्ड्स नहीं भी हों तब भी मैं कर सकती हूँ, मैंने ये भी बोला था। लेकिन मैं कार्ड्स इसलिए हमेशा लेकर आती हूँ, एक तो वो हमें इंडिकेट भी करते हैं बहुत कुछ, साथ ही साथ अगर मैं कार्ड्स पूरे नहीं लेकर आऊँगी तो लोगों को भी लगेगा कि अरे कार्ड नहीं है फिर कैसे बता दिया, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है ऐसा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि मैं जब ऐसा करती हूँ मैं जानकर ही करती हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने कंपैरिजन से कॉम्प्रोमाइज़ बोल दिया, तो वो मुझे पता था, मैंने फिर भी अपलोड किया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर ऐसी बात है जो यूनिवर्स पहुँचाना चाहती है लोगों तक, और उनसे रेजोनेट हो जाता है, हमेशा ऐसा होता है, इसलिए फिर मैं नहीं करती। और मैं मेरी वीडियोज़ में कभी भी कोई एडिटिंग नहीं करती, जो जैसा मैंने बोला वैसा ही आपने सुना, ठीक है ना। बहुत से वर्ड्स भी मैं ऐसे बोल जाती हूँ ऊटपटांग से, और फिर भी मैं कुछ नहीं करती, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और होता भी है गाइस, होता भी है। तो यही एक रीज़न है, मैं चाहती हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से करूँ, कोई भी मिलावट में नहीं चाहती। ओके गाइस, सो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मेरी रीडिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि नहीं देखना है, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ जो मुझे कहनी थी, मेरे मन में थी, तो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आए हुए हैं, मैं और कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद फिर क्लियर करूंगी। ये अभी हम देख रहे हैं ना क्या पसंद है उनको आप में, ठीक है, और फिर देखेंगे क्या ना पसंद है। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी से उछल कर बाहर आई हैं कार्ड्स, लेकिन मैं नहीं ले रही। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है, जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है गाइस, आपके पार्टनर को ना आप वाइट कलर के ड्रेस में बहुत पसंद आते हो। पता नहीं मुझे लगा मैंने बोल दिया। ओके गाइस, ये दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, द आउटसाइडर है, यहाँ पर ट्रैवलिंग है। ओके ओके गाइस, तो अब मैं करूँगी एक्सप्लेन। गाइस, जिन्होंने भी पाइल वन चूज़ किया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उनका जो पर्सन है आपको, आपका जो पर्सन है आपको इतना ज़्यादा मजबूत मानता है। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जैसे आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लगता है। ओके सो हाँ जी, तो मैं शुरू करूँगी कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो। उन्हें अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके पास्ट में ऐसा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, या किसी ने आपको चीट किया हो, आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली मेम्बर्स अच्छे नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप बहुत ही हर्ट हुए हो, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन उसके बाद भी आप खड़े हुए और आपने फिर से एक नई शुरुआत की, आप आगे बढ़े ये सोच कर कि मुझे मेरी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, और आप डिटरमाइंड हुए इस चीज़ को लेकर और आप आगे बढ़ गए, ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। गाइस, आप हो सकते हो फायर साइन या फिर वाटर साइन, एयर साइन भी हो सकते हो, लेकिन फायर का मुझे बहुत लग रहा है। एक एक जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न,
बार बार मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, स्पेशली कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो और फायर साइन का बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो मैंने बस बताया आपको। तो गाइज ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। एक चीज़ उन्हें और अच्छी लगती है आप में कि आप एक्शन लेते हो, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं हो कि सोचते रह जाओ एक्शन नहीं लो, आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो। और आप ना बहुत ज़्यादा लोगों में मैं कहूँगी पॉपुलर हो, ठीक है ना। लोग बहुत पसंद करते हैं आपको इन चीज़ों के लिए, बहुत ही हिम्मत है आप में ओके बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आप ना एक ऐसे पर्सन हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मती भी हो। आपके इमोशंस जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको ताकत देते हैं, आपको कमज़ोर नहीं बनाते। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं ना वो आपको बूस्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए यू नो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कमज़ोर नहीं होने देते। ये चीज़ उनको बहुत बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ के वो हो सकता है आप किसी छोटे से टाउन से हों, या फिर हो सकता है कोई छोटा सा गांव हो वहाँ से हों, जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जहाँ पर कुछ अचीव कर पाने के मौके बहुत कम हैं, इस तरीके से मैं कहूँगी। कोई ऐसी ऐसा हो कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है ऐसा। तो अगर आप लोग एक ऐसी जगह से हो, एक कोई छोटे से टाउन से गाँव से, वहाँ पर होते हुए भी आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है ना, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। अगर ऐसा है, ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी कि अगर आप किसी छोटे से टाउन से हो, गांव से हो, और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर कैसे, मतलब इतने छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से ये लड़की या लड़का है, और फिर भी ये इतना आगे बढ़ गया या बढ़ गई, तो कैसे कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, जैसे हम सिटी में होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, काफ़ी लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद भी बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। और आपने एक छोटे से कस्बे में होते हुए भी इतना कुछ खुद को इतना ग्रो कर लिया, ठीक है, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि आप बंद कर रहना नहीं चाहते, आप चाहते हो हमेशा ही आगे बढ़ना, चाहे प्रॉब्लम्स कितनी ही आएँ, चाहे आपके लाइफ में लोग चाहे आपको कितना भी हर्ट करें, कुछ भी कर लेना, फिर भी आप देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है और ट्रैवलिंग का कार्ड है, ठीक है ना ओके गाइस। तो ये बताता है कि आप हमेशा एक जर्नी पर निकल जाते हो। जर्नी का मतलब ये नहीं है कि घूमने फिरने निकल गए, ना, आपको ईश्वर की तरफ से जो रास्ते दिखाए जाते हैं आप उस पर निकल जाते हो, ये सोचकर कि ठीक है अच्छा ही होगा। मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे कोई हर्ट हो जाता है, किसी को तकलीफें हो जाती हैं, वो क्या सोचता है कि ठीक है अब ये चीज़ मैं करूँगा या करूँगी ही नहीं। सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप में गए, ठीक है, आपको हर्ट हुआ, वहाँ आपका ब्रेकअप हुआ, उस पर्सन ने आपको चीट किया, फिर हमारा क्या होता है कि ठीक है अब हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, हम दोबारा चांस ही नहीं लेंगे और हम बिल्कुल अब आगे बढ़ने का सोचेंगे नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप की तरफ से मुँह ही मोड़ लिया, नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है, अभी मुझे नहीं पता कि आप कैसे हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो, चाहे कितना भी आप हर्ट हो, आप कभी भी खुद को ब्लॉक नहीं करते कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ना मुझे करनी है, फिर से करूँगी, देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि किसी भी चीज़ को एक अलग तरीके से देखना, ठीक है, जैसे अगर आपका ब्रेकअप हुआ या आपको जॉब नहीं मिली या आपका बिजनेस फेल हो गया, आप क्या सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि आपकी किस्मत ख़राब है, आपके साथ तो ऐसे ही होना था, ये वो, ना, आप सोचोगे इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा और इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, नहीं देखेंगे कि हम फेल हो गए, नहीं देखेंगे कि इसने मुझे चीट किया, नहीं देखेंगे कि रिलेशनशिप मेरा अच्छा नहीं चला, बिजनेस अच्छा नहीं चला या जॉब छूट गई, इसको हम इस तरीके से देखेंगे शायद इससे बेहतर था मेरे लिए कुछ, ओके तो ये एक जो आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का उनको बहुत पसंद है।
अगर आपने उनको ये चीज़ें शेयर नहीं करी, अपनी ये बातें शेयर नहीं करी हैं, तो उनको लगता है गाइस, ठीक है, मैं बस ये कह रही हूँ कि उनको लगता है और उनको ये चीज़ बहुत पसंद है। हो सकता है जिस तरीके से आप उनको दिखाते हो, शो करते हो, वो चीज़ें उनको ऐसे महसूस करवाती हो कि आप ऐसे हो, लेकिन ये चीज़ उन्हें बहुत बहुत पसंद आती है आप में। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि लोगों को मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास कोई आता है, कोई सपोज़ बहुत ही परेशान है, तकलीफ़ में, और आपके पास आता है, और हालांकि आप खुद भी तकलीफ़ में हो, लेकिन आप उसको ना बड़ा अच्छा फील करवा दोगे, उसको हंसा दोगे, उसको ऐसे महसूस करवा दोगे कि आप उसके साथ हो। और अगर वो आपसे हेल्प मांगता है तो आप चल देते हो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए कि ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आपकी आपकी माँ से ना बनती हो, ओके गाइस, बहुत ही कम लोगों के लिए मैं महसूस कर पा रही हूँ, सबके लिए नहीं है, ओके, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा कि हो सकता है आपकी आपकी माँ से ना बनती हो, या हो सकता है आपके फादर ही नहीं हों, या आपकी मदर नहीं हों, सॉरी गाइस, लेकिन मुझे लग रहा है तो मैं बताऊँगी ज़रूर। और लाइफ में लगातार बचपन से ही आपने बहुत कुछ झेला है, मुझे ऐसे लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर इनको आपके थ्रू नहीं पता तो किसी के थ्रू पता होगा, इनको पता ज़रूर है आपके, या फिर तो ये बहुत इंट्यूटिव हैं और ये गेस कर लेते हैं कि हाँ लगता है कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ चलता चला आ रहा है, और फिर भी ये लड़की या लड़का कैसे यू नो डिटरमाइंड होकर ये कार्ड देख रहे हैं विक्ट्री के ऊपर, विक्ट्री की तरफ जाना है, मतलब मुझे विक्ट्री चाहिए, ऐसे बैठने वालों में से नहीं हूँ, ये चीज़, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल चल रहा था काफ़ी टाइम से गाइस, वो एंड होने वाला है, ठीक है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। कोई तो एक साइकिल चल रहा था और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो आप करना चाहते थे, हो सकता है कोई कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा हो जिसमें मूवमेंट नहीं था, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ रही थी सिचुएशन, जैसी है वैसी ही थी, कुछ बदलाव नहीं हो रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है, कुछ बदलने वाला है, ओके गाइस। कुछ कार्ड्स और मैं देखूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि उनको आप में क्या पसंद नहीं है, क्या चीज़ ऐसी है जो उनको आप में पसंद नहीं आती। पहले हम इसे, अरे अपने आप ही नहीं ले रही मैं, आप बहुत जिद्दी हैं गाइस उनको लगता है, ठीक है ना, मुझे ऐसे लगा, मैंने बताया ये चीज़ भी अच्छी होती है ना, हमें इज्जत होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। सन कितना प्यारा कार्ड आया है आपके लिए, ओके, यहाँ पर क्या है, स्टार, वाओ, मुझे लगा अभी मैं बोलने वाली थी कि वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, और यहाँ पर स्टार आ भी गया और यहाँ पर सन भी है गाइज। अब मैं कहूँगी कि कुछ तो आपने ऐसा किया है, कुछ तो अचीव किया है, या हो सकता है आप काफ़ी लोग आपको जानते हो सकता है आप कोई यूट्यूबर ही हो, या फिर कुछ तो आप ऐसा काम करते हैं या करने का सोचते हैं, या फिर आपकी ड्रीम्स कुछ ऐसे हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप मॉडलिंग वगैरह करते हो, ठीक है, या कभी की हो, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एक अलग ही चमक है आपकी गाइस, ओके ना। और यहाँ पर इस पर्सन, मतलब ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे, क्योंकि अगर इनको आपके पास्ट के बारे में पता है, मुझे ऐसे लग रहा है ये कोई न्यू कनेक्शन तो नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा न्यू कनेक्शन, वैसे मुझे ये लग रहा है आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी पुराना है, हो सकता है एक साल हो गया हो, और ये शुरुआत से आपको देखते आ रहे हैं और इन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, अचानक से रातों रात जैसे आप बदल से गए, कभी कुछ थे कब और फिर एकदम से कुछ हो गए देखते देखते सॉन्ग याद आ गया मुझे, क्या से क्या हो गए, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको
सोच में डाल देती है कि क्या ये क्या थी या क्या था और क्या हो गया। ठीक है ना, स्टार की तरह लगते हो आप, स्टार। इनको लगता है कि आपके लिए कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और वो आपको मिल भी जाती है, किस्मत भी आपकी ऐसी है। इनको लगता है ऐसा, ये आपको बहुत लकी मानते हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगी जो मैं सुन पा रही हूँ, वो ये कि इस बंदे को लगता है कि आप इसकी लाइफ में, या इस बंदी को लगता है कि आप इसकी लाइफ में इसलिए आए ताकि आप इनको मोटिवेट कर सको। हो सकता है आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, लेकिन फिर भी अगर ये आपकी फेसबुक पर स्टोरीज देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं आपके स्टेटस वगैरह, तो ये मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आपसे इनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है गाइस। ओके, और इनको लगता है कि आपके साथ में ये जो कनेक्शन हुआ है ना, ये एक तरीके से इनके अच्छे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से हुआ है। हो सकता है ये आपसे बातें ये सारी शेयर ना करते हो गाइस, लेकिन है तो ऐसा ही। ठीक है, सो ये है जो वो बहुत पसंद करते हैं आपके अंदर। और गाइस हमेशा ऐसे ही रहिएगा, ठीक है, कभी खुद को चेंज ना करें, आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद आपकी एनर्जी लो होती हो, क्योंकि आपने 111 भी चूज़ किया है, तो मे बी अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करो। ठीक है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या है जो पसंद नहीं है। ठीक है, ये तो पसंद वाला हो गया, और क्या है जो ना पसंद है आपके अंदर, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। पता नहीं गाइज, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं पहले, तो आपने बहुत दिया है, लगातार दिया ही है, और इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। और अगर इस पर्सन को ये चीज़ पता है तो इसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो। ठीक है, चलिए कार्ड्स देखते हैं क्या है। ये तो जो मैं देख पा रही हूँ, मतलब जो मैं सुन पा रही हूँ वो बता रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है कार्ड्स यहाँ पर। पेज ऑफ पेनिकल्स, एट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, और मैं कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। देखिए मैं जो बोल रही थी, कार्ड्स एग्जैक्टली वही आ गए हैं। अच्छे, मैं और कार्ड्स निकालूंगी फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। कम्युनिटी, सेवन नंबर, एंड सिक्स नंबर, कॉन्ट्रैक्ट। वाह, ओके गाइस, मुझे ना गाइस क्या चीज़ लग रही है पता है आपको? ये पर्सन थोड़ा सा जलता है आपसे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है इनोसेंस और यहाँ पर है पेशेंस। ओके गाइस, एक तो इनोसेंस का यहाँ पर कार्ड है जो मुझे पहले ही लग रहा था। मैंने कहा था ना कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, मैंने बोला था उसी वक्त। ओके गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पर्सन है, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो और आप बहुत ही जल्दी लोगों से जुड़ जाते हो। ठीक है, स्पेशली मैं कहूँगी आपके फ्रेंड्स को लेकर, इनको आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके गाइस,
क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप अपने चाहे फ्रेंड्स हों चाहे आप किसी रिलेशनशिप में पहले रह चुके हों, अगर नहीं रहे हैं तो फ्रेंड्स को लेकर है, अगर रहे हैं तो उनको भी लेकर मैं बताऊंगी। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो लोगों को लेकर, ठीक है, और लोग उतना सीरियस नहीं होते। बहुत जल्दी आप एक्शन ले लेते हो, मतलब हेल्प बहुत जल्दी करने लग जाते हो, आपको समझ में नहीं आता ये कैसे है कैसे नहीं है, और बहुत जल्दी आपने कहा कि ठीक है ये फ्रेंड है मेरी या ये फ्रेंड है मेरा और लो हेल्प कर दी, ठीक है ना। और एक चीज़ इनको जो अच्छी नहीं लगती वो ये कि ये कहना चाहते हैं हर चमकने वाली चीज़ जो है ना वो सोना नहीं होता, ठीक है। जो आपको दूर से देखने में अच्छा लगे, जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये बहुत सपोर्ट करेगा कुछ करेगा, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हो। बाद में वो पर्सन कहीं ना कहीं, वो पर्सन या फ्रेंड कोई भी हो, वो आपको जब छोड़कर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। आपको जब समझ आता है कि अरे मतलब ये कार्ड देखिए, ये कार्ड, ये सारे ही कप्स देखिए खाली हैं और ये पर्सन जा रहा है पलट कर, कि पहले आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो, बहुत ज़्यादा गिविंग हो, देने लग जाते हो, प्यार भी दिया सबको, हर तरीके से हेल्प करी, और बाद में फिर आपको समझ में आता है कि अरे ये कप्स जो थे ये तो खाली थे, और फिर आपकी एनर्जी बहुत जल्दी से लो हो जाती है, आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि फिर आपका बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आपके लिए सही है ना उनको भी आप एक ही लाइन में खड़ा कर देते हो कि हाँ तुम भी ऐसे, तुम भी ऐसे, तुम भी ऐसे। और ये एनर्जी है टेम्प्रेरी है, मतलब हमेशा नहीं रहती, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपका बिहेवियर, जब आपके साथ कोई कुछ ऐसा करता होगा ना तो कुछ टाइम के लिए आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता होगा, बहुत ही ज़्यादा कड़वा, सभी से ऐसे बात करना, किसी से वैसे तो किसी से बात ही नहीं करना, करना तो कड़वे से बात करना, ठीक है ना। एक और चीज़ कि आप बातें बिल्कुल साफ साफ कह देते हो लोगों को, वो भी चीज़ इनको ठीक नहीं लगती आपके अंदर। है तो ये चीज़ अच्छी लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हर्ट कर जाती है लोगों को, तो ये चीज़ भी इन्हें आप में अच्छी नहीं लगती कि इतना तीखा इतना स्पष्ट बोलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी है जो मैं आपको बता दूं कि इनको अच्छा नहीं लगता। आप हो ऑनेस्ट अच्छी बात है, लेकिन इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, ठीक है। अगर इनका वश चले या ये आपसे कहें तो ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा खुद को चेंज करो इस चीज़ में। पेशेंस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि आप, मैंने कहा कि आप एक्शन लेते हो, लेकिन अगर मैं देखूँ लव एंड रिलेशनशिप को लेकर तो शायद आप टाइम लगा देते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों ने ये पाइल चूज़ करी हो जो कि एक ऐसे रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ में, हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स नहीं कह रहे, ये अपनी फीलिंग्स नहीं कह रहे, ठीक है, ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ये एक्शन ले, मैं नहीं ले रही या मैं नहीं ले रहा। तो बहुत ज़्यादा धैर्य रखना भी इन्हें पसंद नहीं आता। ये इनकी एनर्जी हो सकती है कि ऐसी हो कि इनको जल्दी से जल्दी काम करना है और आप थोड़ा टाइम लेते हो, ठीक है। मैं मुझे स्पेशली लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कोई फैसला आपने करना है तो आप उसको करने में थोड़ा टाइम लगा देते हो, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको पसंद नहीं आती हैं आप में, बाकी तो पसंद तो बहुत कुछ आता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती हैं। और मैं और भी कार्ड्स देखूंगी एक बार, फिर और बताती हूँ डिटेल से। सेवन और सेवन बार बार मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखते हो गाइस, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई में आप लोगों की मीटिंग हो या कोई बातचीत हो, अगर ब्लॉक वगैरह कर रखा है ना तो अनब्लॉक करेंगे ये। जस्टिस मैं नहीं ले रही, मैं वापस से रखूँगी कार्ड्स, ओके गाइस। सेवन एंड आप देखिए यहाँ पर भी सेवन है, यहाँ पर भी सेवन है, ठीक है ना। सो हो सकता है जुलाई में बात हो या बर्थडे हो किसी का, डेट भी हो सकती है 7/16 में भी, ओके। चलिए कार्ड्स देखते हैं। डेथ,
फील्ड ऑफ फॉर्चून। ओके तो गाइस एक चीज़ इनको आप में पसंद ये नहीं आती है, देखिए ये चीज़ है आप में अच्छी, लेकिन समटाइम्स इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब मैं बताती हूँ क्या, आपकी एक आदत है, आप जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है आप उसको उस तरीके से लेते हो कि ठीक है ये हुआ किसी रीज़न से हुआ, सही ही होना था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें इनको अच्छी भी लगती हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि आप अपने पास्ट से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। ठीक है, मूव ऑन आप कर जाते हो, मूव ऑन भी कर जाते हो, खुश भी रहते हो, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के या दिल के कोने में वो चीज़ आपके रह जाती है, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। ओके गाइस ये है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ के जो एक जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है ना, तो वो नेगेटिविटी काफ़ी टाइम तक आपको थोड़ा सा रूड बना देती है। मैं कहूँगी कि आप थोड़े से असभ्य हो जाते हो या आप बात करना पसंद नहीं करते, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप डिप्रेशन में चले जाते हो। हालांकि आपकी ये चीज़ भी उनको पसंद है कि आप बाहर निकल आते हो, आप अलग नज़रिए से देखते हो उन चीज़ों को कि ठीक है ये हुआ किसी वजह से हुआ, अच्छे के लिए हुआ, और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ और मुझे आगे और भी मौके मिलेंगे और मुझे सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ पसंद भी है। लेकिन जो आप थोड़ा सा भी उदास होते हो, परेशान होते हो ना कुछ दिनों के लिए, जो कि मैंने कहा ही इस कार्ड में कि ये एनर्जी आपकी रहती है लेकिन टेम्प्रेरी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहती है, हो सकता है 7 days to 10 days हुआ या 1 महीना हो गया, अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहते हो तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। इनको ये लगता है कि आप तो इस एनर्जी में होने चाहिए क्योंकि आप इस एनर्जी में बड़ी जल्दी खुद को चेंज कर लेते हो, यानी कि आप एक्सप्लोर करते हो, आप उसी को पकड़ कर नहीं बैठे रहते, तो ये जो कुछ दिनों का आपका जो बिहेवियर चेंज होता है ना ये वो भी नहीं चाहते, इनके अकॉर्डिंग ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि जिन लोगों ने आपको चीट किया या आपको तकलीफ़ दी उन लोगों से आपको सबक लेना है और आपको आगे बढ़ना है, आप वैसे भी एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, तो इतने दिन भी क्यों आपके ख़राब करने, ठीक है ना। या ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई आपको इस तरीके से हर्ट करता है, कोई परेशानी आपको दी, तकलीफ़ आपको दी, तो आप एकदम से उस दुनिया में चले गए, जबकि आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ था, किसी ने कुछ किया था तो आप याद करने लगे हाँ वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, फिर से वही हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक चीज़ जो मुझे और समझ आ रही है कि हो सकता है लोग आपसे कुछ ऐसे कहते हो, अरे इनके तो भाग में ही ऐसा है, इनके भाग में ऐसा होना ही नहीं है, इनके भाग में तो सब कुछ अच्छा होना ही नहीं है, बेकारी होगा बेकारी होगा, तो वो चीज़ वो कहते हैं कि उन चीज़ों को माइंड ना करें, ठीक है, इस तरीके की किसी भी चीज़ों को ना सुने। और जैसे आपकी जो आपकी वो एक क्वालिटी देखते हैं कि आप मूव ऑन कर जाते हो बड़े आराम से, आगे बढ़ जाते हो, ये सबक लेकर के ठीक है मेरी लाइफ में ये हुआ और वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, तो वो चाहते हैं आप उसी एनर्जी में रहो और जल्दी आ जाओ, मतलब इतना जितना टाइम लगता है ना आपको, ये चाहते हैं उतना टाइम भी आपको ना लगे, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और कहूँगी, उनको थोड़े से आप कभी कभी लेज़ी भी लगते हो, ठीक है। ओके गाइस सो ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो गाइस, और कहीं ना कहीं आप उसको किस्मत से जोड़ते हो कि किस्मत में था, किस्मत में था, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं देख रही हूँ कि जो लोग किस्मत की बात नहीं करते, ये सोचते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं बताऊँगी ज़रूर कि हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, स्कूल में कॉलेज में या घर में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हो सकता है कुछ ऐसे अनुभव रहे हों बहुत ही कड़वे बुरे, जिसको आप किस्मत से जोड़ते हो, तो वो चीज़ अगर इनको पता है तो इनको अच्छा नहीं लगता कि आप उनको याद करो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने किसी और को डिप्रेशन में देख लिया, परेशानी में देख लिया, तकलीफ़ में देख लिया, तब आप तकलीफ़ में आ गए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी को आपने देखा कि वो पर्सन बड़ा सफ़र कर रहा था, या उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहीं, फिर वो पर्सन रहा नहीं, फिर आप भी वही सोचने लगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और वो पर्सन नहीं रहा, फिर मेरे भी जीने का क्या मतलब, ठीक है ना। ये भी मैं पॉइंट रखूँगी क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है, सबके लिए नहीं, बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन मुझे हो रहा है, तो मैं कहूँगी ज़रूर, ठीक है, मैं शेयर करूँगी। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है आप में,
ओके गाइस, यानी कि किसी के साथ कुछ हुआ उसको अपने साथ में जोड़ लिया, ये गलत है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि उनको आप में पसंद हैं और उनको आप में पसंद नहीं है गाइस, वो मैंने आपको क्लियरली बताया क्या क्या पॉइंट्स हैं, और अब आपको देखना है कि आपको खुद को चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला नंबर चूज़ किया था, एंजल नंबर 222, तो चलिए आपकी रीडिंग हम करेंगे और देखेंगे कि आप जिनको पसंद करते हो वो आप में क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि अगर आपने 222 चूज़ किया है तो इसका मतलब क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सीधी सी बात है, अगर 222 चूज़ किया है मतलब आपको दिखता होगा। ओके, तो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर है 222 और ये जो नंबर है बताता है बैलेंस को, ठीक है। आपकी लाइफ में आने वाला है बैलेंस, आपको एक बहुत ही अच्छी, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर चुका है, और किसी का अगर आप वेट कर रहे हो तो वो आने वाला है। ओके गाइस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको आप जानते हो तो वो वापस आने वाला है, अगर आप से अलग है तो। अगर आप किसी को नहीं जानते और यूं ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका जो सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आपकी शादी होनी है, वो आ जाए तो वो आने वाला है, ठीक है ना। एक बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ़ में हो, परेशानियों में हो, तो वो ख़त्म होंगी और कुछ नया होगा, कुछ अलग, कुछ स्पेशल, जो कि आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे होगे कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो। ओके, तो बहुत ही अच्छा नंबर है ये, और आई विश कि आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे ही पूरे हो। सो चलिए शुरू करते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आप में क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ बाबा के पास रुक देती हूँ इसको, और शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। कहाँ गया टैरट कार्ड गाइस? इतना यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए कोई नहीं, चलता है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, मैं एक और लूंगी। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है सन, वाओ, यहाँ पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके भाई, मत सोचा करो इतना, क्यों सोचते हो? मैं एनर्जी ओरेकल से भी देखूंगी कार्ड्स। पता नहीं, मैं एक कार्ड और निकालूंगी, क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे निकालना चाहिए, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल कंट्रेंस, ओके, इंडिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, क्या कोई डिवोर्स विवॉर्स चल रहा है आप लोगों का, या फाइनेंशियली आप लोगों की कंडीशन बहुत ही, हो सकता है आपकी जॉब वगैरह छूट गई हो, मे बी कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो हुआ है भाई आपके साथ में।
मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ही कम लोगों को रेजोनेट करेगी भाई ये वाला पहल, बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगा। बड़े हिम्मती है, हो सकता है आप फायर साइन हो। पहला जो पायल वन था उसमें भी फायर साइन मुझे लग रहा था, यहाँ तो स्ट्रांगली लग रहा है लियो लग रहा है मुझे। सिंह राशि के हैं आप लोग। गाइडेंस। ओके गाइस, पहले तो मैं ये बताऊंगी, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान। आप सो नहीं पा रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका हेल्थ भी अच्छा ना रहता हो, स्पेशली आपको हो सकता है लीवर का प्रॉब्लम हो मे बी। ओके, या फिर लीवर या किडनी से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, या फिर हेडेक बहुत ज़्यादा रहता हो, मतलब सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो। सॉरी गाइस, हिंदी मैं पूरी बोल रही हूँ। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने कहा ना, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ तो ज़्यादातर लोगों ने ये जो पाइल चूज़ किया है, आई थिंक आपका डिवोर्स हो चुका है, आपकी शादी हुई, डिवोर्स हुआ, और उसके बाद जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो पर्सन आपको मिला, उसके बाद मिला, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब सबके लिए नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैं जो दूसरा मुझे सिनेरियो दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन पहले मैं ये वाला करूँगी जो कि मुझे सबसे पहले दिखा, समझ आया, ठीक है। आई थिंक आप एक ट्रू लव को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, जो शायद आपको नहीं मिल रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी आप, मतलब काफ़ी लोगों से आपने बात की है, हो सकता है फेसबुक के थ्रू आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि आपका जो ट्रू लव है आपको मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मिलता। जो भी मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जिनकी तरफ से आपको लगता है कि ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए बात करते हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ से भी मुझे लग रहा है, हो सकता है फैमिली में भी आपकी ना बनती हो। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके बाद भी आप पैसे को लेकर इश्यूज़ हैं, और हो सकता है जॉब ना हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन है रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं हेल्थ से भी आपको ऐसा लगता है आप हेल्थ से भी गए। ट्रू लव भी नहीं है आपकी लाइफ में, पैसा भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है। हो सकता है आपके जो साथ के लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपको समझते ना हो, आपको इस तरीके से ट्रीट करते हो जो आपको बहुत ही यू नो इंसल्टिंग लगता हो कि ये क्या है, मुझे कुछ समझा ही नहीं। इन डिसीजन का कार्ड है यहाँ पर, तो वही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर को लेकर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर, कुछ भी है ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। शादी को लेकर तो बहुत ही, मतलब ये मेन मुद्दा मुझे लग रहा है जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में रहते हो, परेशान रहते हो, लेकिन देखने से आपको कोई नहीं कहेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आप देखने में ना, मैं आपको गाइस बता दूँ, बड़े ही घमंडी लगते होंगे आप। देखिए, हो सकता है आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं कहूँगी जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हो कि आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं, ठीक है। एक चीज़ मुझे और लग रहा है कि शायद आपके अंदर ये विचार चलते हो कि आप हमेशा ही सभी को केयर करते हो, सबको लव देते हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। ओके गाइस, ये एनर्जी मैंने महसूस करी, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप लोग मैरिड नहीं रहे, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहूँगी कि मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। परेशानियाँ तो हैं जॉब वगैरह, हेल्थ वगैरह को लेकर, सिर्फ यही चीज़ है अलग। ओके गाइस, तो मैं बताती हूँ कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि उनको पसंद आता है आपका केयरिंग नेचर। दूसरा, उनको एक चीज़ पसंद आती है, हो सकता है जब उनको लाइफ में कुछ समझ में ना आता हो ना कि वो क्या डिसीज़न लें क्या नहीं लें, उस वक्त वो आपके पास आते हो गाइस, ठीक है।
आपके पास आते हो सलाह लेने के लिए, तो आप उनको ऐसी सलाह देते हो, बहुत ही अच्छी सलाह, जिससे उनके काम बन जाते हैं, वो चीज़ उनको बहुत पसंद है, चाहे वो सलाह कैसी भी हो। हो सकता है आपने लॉ पढ़ा हो, तो वो भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर कानूनी सलाह लेनी होती है तब भी वो आपके पास आते हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत सी चीज़ें वो आपको नहीं बताते लेकिन आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ उनको बहुत पसंद आती है आप में। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा होता हो, आप उनको बोलते हो कि अच्छा ऐसा है, ऐसा चल रहा था ना, और फिर वो हंसने लग जाते हो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहें, जवाब क्या दें, क्योंकि आप बहुत कुछ जान गए हो, उन्होंने कहा भी नहीं और आप जान गए, अब वो क्या बोलें, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप रात रात भर जागते भी हैं, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ऐसी है जैसे कोई बंदा किसी बंदे को एक जगह पर खड़ा कर दिया और चार रास्ते उसके सामने निकाल दिए और उससे कहा कि जाओ और जानो कि कौन सा रास्ता सही है, तो उसको क्या मालूम कि कौन सा सही है ना, उसको कोई मतलब साइंस भी नहीं दिए कि हाँ इस तरफ जा सकते हो, वहाँ जाकर तुम्हें मंजिल मिलेगी, वो भी कुछ नहीं बताया, बस ये कह दिया चार रास्ते हैं, उनमें से जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो ना उस पे चले जाओ, तो अच्छा लगने के हिसाब से नहीं जाते हैं ना, मंजिल कहाँ है, कुछ तो कोई क्लू दे कि हाँ इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है, तो किस तरफ जाया जाए। कुछ ऐसी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने बहुत कुछ ट्राई भी किया उसके बाद भी कुछ भी आखिर में समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आप इतने मजबूत हैं ना, आप खड़े हुए, आप लोगों से लड़ते भी हो, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके, आप हमेशा अपना पक्ष रखते हो, आप डरते नहीं हो, चाहे इतनी कितनी भी तकलीफें हो, मुझे लग रहा है कि आपको सोसाइटी का भी कोई खास ये नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, अगर आपको कोई चीज़ लगी है तो आप वो सामने रखते हो आपका पक्ष, वो चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपका साथ भी ना दिया हो, ये भी मैं बता दूं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने कभी बुरे वक्त में आपका साथ ना दिया हो, बल्कि आपसे ही हेल्प मांगी हो, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि आपको एक कनेक्शन इनके साथ महसूस होता होगा, आप इनको छोड़ नहीं पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते, और इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये पर्सन को आप में कुछ अच्छा लगता भी है या नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए, या सच में ये प्यार करता था, पसंद करता था या नहीं करता था, असलियत क्या है। तो मैं बता दूँ कि असलियत तो यही है, आपकी काइंडनेस इनको बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छा इनको किसी भी टॉपिक पर बातें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, इंट्यूटिव वो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ अच्छी लगती है। आपको पता है कि कानूनी दाव पेच क्या हैं, आप इनको बता सकते हो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, वो चीज़ इनको अच्छी लगती है, मजबूत बहुत ज़्यादा हो, सुंदर बहुत दिखते हो इनको, ठीक है, बहुत सुंदर लगते हो, और लाइफ में इतना मतलब इतनी उलझी हुई लाइफ है, उसके बाद भी आपने खुद को खड़ा किया हुआ है लोगों के बीच में, ठीक है। मुझे वो कार्ड याद आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, एट ऑफ सोर्ड्स का, तो उसमें चारों तरफ ना सोर्ड्स होती है और एक लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है, आँखों पर पट्टी है और मतलब बंधी हुई है, फिर भी वो खड़ी है वहाँ पे, तो वो एकदम से मुझे दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है लेकिन मुझे दिख रहा है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ सोर्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ें वैसे ही दिख रही हैं, जैसे चारों तरफ से लोग सिर्फ आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आपको कड़वा सुना रहे हैं, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा आप कितने हर्ट हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं ये पाइल वन के जैसा ही थोड़ा थोड़ा रीडिंग मुझे लग रहा है, तो आप चाहो तो पाइल वन भी देख सकते हो गाइस, ठीक है ना, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी। ओके गाइस, यहाँ पर है डेबल और यहाँ पर एक और कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत रहे हैं आप, जो लोग आपके पास आसपास हैं शायद वो आपके कार्मिक ही हैं,
और आपको शायद ये चीज़ लगती भी है, लेकिन उसके बाद भी आप ये सोचते हो कि एक ना एक दिन तो सब कुछ सुधरेगा। आप जो इतना होपफुल रहते हो ना, इतनी सब कुछ, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि बहुत ही स्ट्रांग है आप, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत पैशन है आपके अंदर, मतलब कि हर तरफ से किसी को हार मिलती जाए, तकलीफ मिलती जाए, उसके बाद भी कोई कैसे खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लव चाहिए आपको। मैं पता नहीं क्यों ये सुन पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको लगता है कि बस लव मिल जाए फिर आगे देखा जाएगा। ट्रू लव मिल जाए फिर सब कुछ देख लिया जाएगा। आशा नहीं छोड़ते हैं आप, वो चीज़ बहुत पसंद है इनको, क्योंकि जितनी तकलीफें आपने झेली हैं, हो सकता है आपने इनको बताया हो, मुझे लग रहा है कि आपने इनको इनसे शेयर करा हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके शेयर करने के बाद भी शायद इन्होंने भी आपके साथ वैसा ही कुछ इनका बिहेवियर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड है और यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्स है। हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हों, ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ना जैसे दाद देनी पड़ेगी, तो वो चीज़ इनको लगता है आपके लिए कि कमाल है ये लड़का या लड़की जो भी, एक कमाल है, इतना सब कुछ अगर मेरे साथ होता तो शायद मैं नहीं जी पाता या जी पाती, लेकिन ये कैसे सब कर रही है या कर रहा है, ठीक है। और गाइस आपको ऐसा ही रहना है, क्योंकि मुझे भी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ली जाए या फिर ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जाए जो कि गलत है, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके, कुछ रूल्स हैं, आप उनको नहीं छोड़ते हैं, चाहे तकलीफें कितनी भी रहें आप नहीं छोड़ते, आपको छोड़ना पसंद नहीं है, और वो चीज़ भी इनको बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप रिलेशनशिप में जल्दी नहीं आ पाते हो, क्योंकि आप जिनके साथ सोचते हैं शुरुआत करने का, वो कुछ ऐसा बोल देते हों, जैसे हो सकता है फिज़िकल होने के लिए, ठीक है ना, तो वो चीज़ कहीं आप एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे लग रहा है, मुझे तो मैंने बोल दिया गाइस, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे लगा है तो मैंने बोला। सो इनको ये चीज़ें बहुत पसंद है आप में गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली आपका इंट्यूशन इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको लगता है कि आप कुछ भी अपनी इंट्यूशन को सुनकर बोलते हो तो वो सच ही होता है, तो काफ़ी इंट्यूटिव हो आप, इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद की लाइफ में भी अपनी इंट्यूशन को सुनकर ही आगे स्टेप्स लेते हो, तो वो भी चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं इनको क्या पसंद नहीं है आप में, ये भी देखते हैं, ये तो देख लिया कि पसंद क्या है, और आपकी एनर्जी ऐसी है, प्लीज़ आप थोड़ा अच्छे से मेडिटेशन करें गाइस, ठीक है ना, अफर्मेशन तैयार कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है इतनी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ मुझे तकलीफ़ हो जाती है। चलिए देखते हैं उनको क्या पसंद नहीं है आपके अंदर, ये भी देख लेते हैं। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल टू, हो सकता है आप लोग, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, हो सकता है फेयर हों या फिर हाइट मुझे नहीं लग रही ज़्यादा, मे बी 5'4" हो सकती है, 5'3" हो सकता है, 5'3" ओके। हो सकता है आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में हो, ऐसा भी पॉसिबल है, आप एक हीलर हो सकते हैं या फिर डॉक्टर में भी, आई डोंट नो। चलिए देखते हैं क्या उनको पसंद नहीं है आपके अंदर, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।
ओके दो कार्ड्स में और निकालूंगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। हैंगमैन, देखिए गाइस, और यहाँ पर जो कार्ड है वो है इंडिसीजन। फूल, ओके, यहाँ पर है स्टेलिटीज, यहाँ पर है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके, वी आर द वर्ल्ड, ओके, वी आर द वर्ल्ड एंड रीबर्थ, और यहाँ पर इसके साथ में ये कार्ड जाएगा कंप्लीशन। ये तीनों कार्ड कैसे एक साथ आए हुए हैं, कमाल हो गया। ओके गाइस, तो अगर मैं कहूँ कि इनको आप में पसंद क्या चीज़ नहीं है, तो पहली चीज़ तो मैं बताऊँगी कि शायद आप चीज़ों में अटक कर रह जाते हैं, ठीक है, ये एक चीज़ है जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी दो बार आई है, ठीक है, ये भी हैंगमैन है और ये भी हैंगमैन का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप अटके रह जाते हो चीज़ों में। या फिर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है वो ये कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जितना नहीं सोचना चाहिए। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी जब मैं शायद वो कार्ड्स निकाल रही थी शुरुआत में, तो मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मत सोचा कीजिए, याद है ना। और ये यहाँ पर दोनों कार्ड्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, किस चीज़ को लेकर सोचते हैं वो भी मैं बता दूँ। आप सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये साइकिल कब ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत कब होगी, कुछ अच्छा होगा लाइफ में या नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि आप अधूरे हो, आपको कंप्लीट होने की ज़रूरत है, तो ये कब, ये ऐसा कब हो पाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप या तो बोलते बहुत तीखा हो गाइस या फिर हो सकता है कि आप फाइट करने लग जाते हो, ठीक है ना, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। इनको लगता है कि आप खुद को हील नहीं करते, लेकिन आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, तो हो सकता है आप ये चीज़ जानते हो कि आप जानते क्या हो, जानते तो हो गए अगर आप इंट्यूटिव हो तो। ये आपका जो इंट्यूशन है कहीं ना कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंट दिखा देता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि कभी आपकी इंट्यूशन ने कुछ कहा वो सही जाता है, और वो इम्प्रेस भी हैं काफ़ी कि हमेशा आपकी इंट्यूशन काम करती है, लेकिन कभी कभी आपके सोचने की वजह से आप कुछ बातें ऐसी कह देते हो जो कि ये दिखाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऐसा है, आप उनको बोल देते हो और वो चीज़ उनको लगती है कि हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप, ठीक है।
दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा गिविंग हो, ये चीज़ मैंने पहले पाइल में भी कहा था क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे कार्ड्स आए थे और यहाँ पर भी सिक्स ऑफ पेनिकल्स है, तो बहुत ज़्यादा गिविंग हो और शायद रुपए पैसे से ज़्यादा हेल्प करते हो आप लोगों की, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनकी भी हेल्प करी हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि हो सकता है आपने इनकी हेल्प करी हो। उसके बाद भी अपनी हेल्प का जब कुछ आएगा ना मैटर, तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और की करते हो ना तो इनको पसंद नहीं आता, ठीक है। और एक चीज़ इनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैरियर कैसा जाएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, या अगर आप शादी वगैरह के बारे में सोचते हो तो हो सकता है आपके दिमाग में एक चीज़ चलती हो कि रुपए पैसे वाला होना चाहिए बंदा या बंदी। स्पेशली मैं फ़ीमेल्स के लिए कहूँगी कि हो सकता है आप सोचते हो कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो पैसे वाला हो। जो चीज़ें मैंने झेली हैं अभी तक, लाइक पैसा वैसा नहीं रहा, बहुत कुछ झेला मैंने, वो चीज़ मुझे ना झेलनी पड़े, तो एक पॉइंट अगर आप इनसे डिस्कस करते होगे ना तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है या गलत है, मैंने बस ये कहा कि उनको पसंद नहीं आता, उनके पसंद नापसंद की बात कर रही हूँ, वो तो अलग बात है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उनको लगता है, ठीक है। गाइस, हो सकता है कभी आपने इनसे बात करी हो पास्ट लाइफ कनेक्शन की, सोलमेट कनेक्शन की, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, तो वो बातें अगर आप इनसे करते हो ना, रीबर्थ होता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती सुनना। ऐसा नहीं है कि ये मानते नहीं हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इनको है विश्वास इन चीज़ों पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं है गाइस, ओके। अगर नहीं करते हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, उनके लिए है जो लोग करते हैं, लेकिन अगर आप जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, अगर ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं इनसे, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। और एक चीज़ इनको लगता है कि आपको रिस्क लेना पसंद नहीं, ओके, एक चीज़ ये भी है, या फिर आप पूरी तरीके से चीज़ों को लेट गो नहीं करते या सरेंडर नहीं करते गाइस, ठीक है। जैसे आप कहते हो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ईश्वर में मानती हूँ या मानता हूँ, लेकिन फिर आप लेट गो नहीं करते या सरेंडर नहीं करते, आपको दिक्कत होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, और ज़्यादा सोचने की वजह से चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं, जहाँ पर आपको लेट गो करना है वहाँ नहीं कर पा रहे, और जहाँ पर आपको सरेंडर करना है नहीं कर पा रहे, चीज़ों को थोड़ा फ्लो में नहीं रहने देते, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको पसंद नहीं आती, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को जितना आप में पसंद है, जितनी चीज़ें पसंद हैं, उतनी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो नापसंद हैं, तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपको हील करने की ज़रूरत है गाइस, अपने चक्रा हील करिए या करवाइए, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। मैं जब बोल रही हूँ ना तो मुझे अजीब तरीके से अजीब सा लग रहा है मुझे थ्रोट में, तो आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, हील करवाने की खुद को, ओके गाइस। काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं आप, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पाते आप, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने कहा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लोग आपसे लड़ेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा है गाइस, तो आप डायरी लिखना शुरू करें, डायरी में लिखा करें और फिर उस पेपर को जला दिया करें, ठीक है, ये करें आप लोग। सो यस, सो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनके लिए थी ये रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने एंजल नंबर 333 चूज़ किया था उनकी हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, तो वो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 333 देखते हो तो इसका मतलब क्या है गाइस, ओके, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में एक जो साइकिल चल रहा था वो एंड होने वाला है, दूसरा शुरू होने वाला है, और एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है इस दौरान, क्योंकि अगर आप निगेटिव रहते हो तो आपका आने वाला समय भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हो, तो बेहतर है कि इस समय बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को लो ना होने दें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लोग नज़र लगा देते हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें, हो सकता है आपको ऐसे लोग मिलें जो कि नज़र लगाने वाले हों, ठीक है गाइस, सॉरी मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर रही हूँ, ओके। सो बेहतर होगा आप महामृत्युंजय
जाप करें या फिर आप कोई काला धागा हाथ में बांध कर रखें, अगर आप फीमेल हो तो लेफ्ट हैंड में, मेल हो तो राइट हैंड में, या फिर आप कोयला भी रख सकते हो आपके पास। अगर आप महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकते हो, जैसे कुछ और भी धर्म हैं, धर्म के लोग हैं, तो उनके अपने भी होते हैं ना, उनके जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। अगर आप मुस्लिम हैं तो जो हमारे मौलवी साहब हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको जो हमारे पादरी होते हैं वो बताते हैं बहुत कुछ। तो जिस भी धर्म में हैं आप, ओके, आपके जो आप जिनको मानते होगे आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। सो ध्यान रखें, लेकिन नज़र वगैरह का थोड़ा रहता है इस वक्त, ठीक है। और मैं कहूँ कि क्या होने वाला है, तो एक बैलेंस आने वाला है, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगी कि एक साइकिल एंड होने वाला है। गाइस प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छा अगर नहीं होता, अगर कुछ पेनफुल हो जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ओके। सो मैं आपसे कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। अगर दिमाग में कुछ भी निगेटिविटी है, जिसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँगी कचरा, ठीक है, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दें, वो रहने के लिए, वो बाहर ही फेंकने के लिए होता है, कचरा हम बाहर ही फेंकते हैं, राइट, तो उसको बाहर ही फेंक दो। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पॉजिटिव सोचो, ठीक है, ताकि जो आने वाला समय है वो और अच्छा हो। अगर अच्छा चल रहा है तो और अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो अब अच्छा आने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर आपका समय अच्छा चल रहा था तो आप तो यही चाहोगे ना कि अब आने वाला जो समय है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए, है ना, तो इसके लिए तैयारी करो। और अगर आपका अच्छा समय नहीं चल रहा था तो आप चाहोगे कि अच्छा हो जाए, क्योंकि जब हमारा समय अच्छा होता है ना, तो हम हमारे पास्ट में जो भी हमारे साथ हो चुका है, हमें जो भी पेन मिला, तकलीफ़ें मिली, वो सारा कुछ हम भूल जाते हैं, है ना, ये होता है, हम भूल जाते हैं। तो वही है कि अभी जो हो रहा है या हो चुका है वो ठीक है, लेकिन अब समय हमारा अच्छा है तो ज़रूरी है कि हम अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छा विजुलाइज करें, ओके गाइस। अफर्मेशन तैयार कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अगर कभी ऐसा लगे कि डिप्रेशन में जा रहे हो, एनर्जी लो हो रही है, मेडिटेशन करो, ओम मणि पद्मे हम का चयन करो, ओके। और हमेशा आपको याद रखना है, एक जगह पर ही नहीं बैठकर रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचने लग जाओ। बेहतर है कि अभी हम ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते तो छत पर चले गए शाम को, ठीक है ना, या गार्डन है घर के बाहर तो वहाँ टहल लिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो, और आप कर सकते हैं, ओके, यस। तो ये मैं रख रही हूँ यहाँ पर बाबा जी के पास में, और अब हम निकालेंगे कार्ड्स, देखेंगे कि जिन जो आपके दिमाग में हैं, जो आपके दिल में हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आप में क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स बताएंगे, हमारे कार्ड्स कि क्या पसंद है, कार्ड्स बताएंगे, बाबा बताएंगे, यूनिवर्स बताएंगे क्या पसंद है आप में, क्या नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं, मैं ये कार्ड्स लूंगी गाइस, ओके ओके। देखते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेनिकल्स, ओके गाइस। कुछ तो कर रहे हैं आप लोग, जॉब या बिजनेस कुछ हो सकता है, शुरू किया हो अभी अभी, काफ़ी ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देते हैं, मनी मेकिंग एंड ऑल, कंपटीशन से कभी पीछे नहीं भागते, कंपटीशन की अगर बात आती है तो आगे खड़े रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, काफ़ी डिटरमाइंड है मैं देख पा रही हूँ, और डिसीजंस भी बड़े अच्छे से लेते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज मुझे मालूम दे रहे हैं आप, फीलिंग्स हैं लेकिन अंदर ही रखते हैं, ये चीज़ भी है देख पा रही हूँ चलिए देखते हैं,
एक्शन एनवी। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है गाइस, मैं दिखाना चाहूंगी आपको। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो गाइस, बहुत डोमिनेटिंग। इनको ऐसे लगता है कि मुश्किल है आपके सामने खड़ा हो पाना किसी का, ठीक है ना। इतने अट्रैक्टिव लगते हैं आप इनको। और मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं बताती हूँ। न्यू विजन, ओके एक्सिस्टेंस। काफी समझदार दिख रहे हैं आप मुझे, उनको लगता है वो जानते हैं आई थिंक काफी अच्छे से आपको, हो सकता है आप काफी वक्त तक फ्रेंड्स ही रहे हों, फ्रेंडशिप से ही शुरू हुई हो, मतलब शुरुआत हुई हो आपके रिलेशनशिप की, पहले फ्रेंड्स रहे और फिर धीरे धीरे से आगे बढ़ते चले गए। स्टार, स्टार सोचते हैं आपको, हो ना हो बड़े ही सुंदर हैं आप, मेल हैं या फीमेल, काफी अट्रैक्टिव है, एम्प्रेस। वाओ ओके गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं भाई। आपका जो पर्सन है, आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही है आई डोंट नो भाई, पागल ही है आपके लिए तो। अबंडेंस देखते हैं आपको, अबंडेंस की तरह देखते हैं गाइस, ठीक है ना, आपको स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आप काफ़ी पॉपुलर हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं ये, कि आप अगर फीमेल हो, ठीक है, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप घर भी संभाल लोगे, आप बिजनेस भी संभाल लोगे, जॉब अगर करते हो वो भी कर लोगे, घर इनके घर अगर इन, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, पता नहीं इन्होंने बताया नहीं बताया लेकिन मुझे लग रहा है। तो इनको लगता है कि आप फुल पैकेज हो, घर भी देख सकते हो, फैमिली भी देख सकते, घर भी, घर और फैमिली बोल रही हूँ, देखो घर भी देख सकते हो, ऑफिस भी देख सकते हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो वो भी देख सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, कंपटीशन में कभी पीछे नहीं रहते, ठीक है ना, हमेशा बहुत ही पैशनेट हो अपने काम को लेकर। मैंने कहा था आपको कि आप कंफ्यूज्ड हो, याद है ना आपको, ये कार्ड देखकर मैंने कहा कंफ्यूज्ड हो, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपसे शादी करना चाहते हो और आप इनको लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हो कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपको कहाँ पर इमोशनल होना है और कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहना है वो आपको अच्छे से पता है और ये आपने सीखा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप शुरुआत से ऐसे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हुए हैं, जो भी हुआ है ना, उसकी वजह से आपने ये सीखा है कि मुझे कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ पर नहीं होना है, कहाँ पर मुझे लॉजिकल होना है, मुझे किस तरीके से फैसले लेने हैं, ठीक है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप बहुत ही अच्छे इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हों कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हो, ठीक है, चाहे वो आपके चाहे वो किसी कोर्स को लेकर हो, सपोज़ अगर कोई नया कोर्स आपको देखने को मिला, आप में एक ललक रहती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है, या ड्राइंग हो गया, कुछ भी हो गया, आप हमेशा ही सीखने में आगे रहते हो और बड़ी जल्दी सीख लेते हो। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको पहले आपने कभी देखा भी ना हो, लेकिन अगर आपको सीखने को मिले ना, बड़ी जल्दी आप सीख लेते हो, बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके अंदर। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी इनको लगते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि
जैसे मैं कहूँगी कि लालची, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। एम्बिशियस होना अलग है, जो मैंने कहा कि आपको सीखने का बहुत शौक है, ठीक है ना, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। यानी कि आपके पास जो है ना, आप उससे संतुष्ट नहीं होते, आपको लगता है कि मुझे और चाहिए, और सीखना है, ठीक है, और ज़्यादा टैलेंट मुझे चाहिए अपने अंदर, टैलेंट चाहिए। बिजनेस को भी मैं अगर देखूँ, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके अंदर एक ललक रहती है उसको और आगे बढ़ाने का, ठीक है। अगर आपने कोई एक बिजनेस किया और उसमें आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तब भी आप दूसरे और बिजनेस के बारे में सोचोगे, हाँ मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो पता चला कि आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ भी काम कर रहे हो, फिर आपने कुछ ऐसे भी काम कर रखे हैं जो आप घर पर बैठकर कर सकते हो, जो कि अगर आपके पास टाइम हुआ घर पर सपोज, तो आप उस वक्त भी करने लग गए, तो आप रुकते नहीं हो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, नया करना है, कुछ खास करना है। अर्निंग को लेकर देखें तो वहाँ पर भी आपका दिमाग चलते रहता है किस तरीके से अर्न किया जाए, क्या किया जाए, मतलब आपको बैठना पसंद बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक्शन का कार्ड है जो कि दिखाता है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है, और वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आप किसी भी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठते। जैसे अगर किसी ने कहा कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, तो आप हमेशा उसी तरीके से नहीं करते, आप अपना एक पक्ष रखते हो, आपको आइडियाज़ कई सारे हैं, तो आप उनको अप्लाई करते हो कि अगर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया तो, या उस तरीके से नहीं, ऐसे किया तो, ठीक है। बिजनेस करते हो तो उसमें भी, जॉब करते हो तो उसमें भी अपने आइडियाज़ देते रहते हो, और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी कुछ, मतलब अबंडेंस कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, ठीक है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत कुछ आपको मिल चुका है, उसके बाद भी ये देख पा रहे हैं, इनको लगता है कि आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हो, वो घमंड नहीं देख पा रहे। जैसे कि ये देखते हैं कि द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो ये कार्ड बताता है कि आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, यानी कि बहुत ही पॉपुलर हैं, हो सकता है बहुत ही फेमस हैं, पॉपुलर हैं, बहुत ही लोगों के बीच में जाने माने, बहुत लोग आपको प्यार करते हों, बहुत रिस्पेक्ट करते हों, लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाते हों, ठीक है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे महसूस हो पा रही है। या अगर आप हो सकता है कोई पब्लिक फिगर हो, अगर नहीं है तो घर में ही अगर आप हो, अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा लोग आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसके बाद भी आप में घमंड नहीं आता, ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है। आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो, आप उससे अलग नहीं हो रहे, ना होते हो। आपसे अगर कोई भी बात करेगा ना, तो उसे अच्छा ही लगेगा, उसको ये लगेगा कि अरे इतना कोई सुंदर है, इतना कोई पॉपुलर है, इतना फेमस है, उसके बाद भी बात करूँ तो लगता ही नहीं है, तो वो वाली एनर्जी। गाइस सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके गाइस, तो ऐसी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपका पर्सन मैं बता दूँ, आपको प्यार बहुत करता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप, मैंने पहले भी कहा है एक्शन का कार्ड देखकर कि आपको बैठना ही हुई बैठना पसंद नहीं है, आप हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी निडर हैं, लेकिन थोड़े से शर्मीले हो सकते हैं, तो वो चीज़ भी उनको कहीं ना कहीं पसंद है आप में, ठीक है गाइस। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वो ये जानते हैं कि अगर सपोज़ अगर फैमिली में झगड़ा कुछ हुआ ना, तो आप बैठकर सुलझाने में विश्वास रखते हो, झगड़ने में नहीं। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है और इनको पसंद है, या इनको पसंद नहीं है आपको पसंद है, तो आप बैठकर उसको सुलझाओगे, ये नहीं कि झगड़ने लग जाओ। फैमिली में झगड़ा हो रहा है तो उन लोगों को भी बिठा कर कहोगे कि देखो भाई बात कर लो, झगड़ने में रखा क्या है, ठीक है ना। तो एक ऐसी, मैंने कहा ना कि आप फैमिली भी देख लोगे, सब कुछ देख लोगे, आपको फुल पैकेज की तरह देखते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं, बहुत सुंदर लगते हो आप इनको, और शादी के लिए सोचते रहते हैं गाइस, ठीक है। देख लेते हैं आप इनको क्या पसंद नहीं, क्योंकि पसंद तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पसंद है। आप, मैंने कहा ना फुल पैकेज, तो अब आप समझ लो, आप इनको इनोसेंट भी लगते हो, आप इनको मैच्योर भी लगते हो समटाइम्स, ठीक है, आप इनको इंटेलिजेंट भी लगते हो, फिर कभी कभी आप इनको बड़े शैतान से लगते हो, ठीक है, वो चीज़ भी इनको अच्छी लगती है। आप गुस्सा भी करोगे ना तो इनको अच्छा लगेगा, इनको वो भी अच्छा लगता है, आप में सब कुछ अच्छा लगता है, ये आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते होंगे। और आपको हो सकता है बच्चे बहुत पसंद हों, वो चीज़ भी इनको पसंद है, और बहुत ज़्यादा आप खुद का भी ख्याल रखते हो, मैं ये देख पा रही हूँ, आपकी फ़िटनेस का भी ख्याल रखते हो, वो चीज़ भी इनको पसंद है, बहुत ही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लव है तो अट्रैक्शन भी उतना ही है। ओके गाइस,
सो देख लेते हैं कि आप इनको नापसंद क्या है आप में। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद हो या आपकी आईज बहुत पसंद हो। ठीक है, मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही गाइस, मैं दूसरे लूँगी। काम करना आपको बहुत पसंद है और वो चीज़ इनको बहुत पसंद है, हो सकता है इनको भी पसंद हो काम करना। ठीक है ना, बिजनेस करना कुछ, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है और इनको लगता है कि इतने सारे आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में कहाँ से आते हैं। ओके गाइस, देखते हैं इनको क्या चीज़ पसंद नहीं है आप में, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं जो पसंद नहीं है। आप जैसे हो इनको पसंद हो, ये चीज़ मुझे लगी है, मैंने आपको बताया। लेकिन देखते हैं, यहाँ पर है कार्ड्स आपके लिए, फोर ऑफ पेनिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके गाइस, आई थिंक आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करते या फिर आप कंफ्यूज रहते हो, वो चीज़ इनको पसंद नहीं है थोड़ी आप में। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे ड्रीम्स आप देखते हैं, कुछ ऐसे भी ड्रीम्स देखते हैं जो कि लगता हो कि पॉसिबल नहीं है, पूरे हों, तो वो चीज़ इनको लगता है कि जो चीज़ हो नहीं सकती उसके बारे में क्या सोचना। लेकिन आप शायद इनसे शेयर करते हो कि ऐसा मेरा ड्रीम है, ऐसा ड्रीम है, और उसके लिए आप शायद थोड़े से दुखी रहते हो, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है विद द चैरियट और यहाँ पर फोर ऑफ पेनिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये फोर ऑफ पेनिकल्स मुझे फीलिंग्स को लेकर लग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी कंजूसी दिखा देते हो गाइस, तो वो चीज़ इनको थोड़ी पसंद नहीं आती। और देख लेते हैं, यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स, यस, और यहाँ पर है पेशेंस। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मे बी ये आपसे शादी करना चाहते हो और आप इनको हाँ नहीं बोल रहे हो, मुझे बार बार लग रहा है। ये जो कार्ड है ये एम्प्रेस की तरह ही है, देख रहे हो आप, अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट आपको देखते हैं गाइस। ओके, आप कुछ भी करते हो आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी अबंडेंट देखते हैं। पास्ट लाइफ्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो आपके पास्ट लाइफ की वजह से है, हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो वो चीज़ इनको थोड़ा पसंद नहीं आता। हो सकता है ये आपको हेल्प भी करते हो ये करने में कि इट्स ओके, हो गया सो हो गया, आप भूल जाओ, या कुछ भी ऐसा हो, तो वो चीज़ कहीं आपको पकड़ कर अगर रखती है ना, तो ये इनको पसंद नहीं आता। ओके, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, या पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस रहे हो, अगर ये शादी के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसा है कि हो सकता है आप इनको बोलते हो शादी के लिए, ये ना तैयार होते हो, मे भी ऐसा है, तब भी पेशेंस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लेज़ी सा देखते हैं और टाइम आप ज़्यादा लेते हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। अब आप जानते होंगे बेहतर। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं, यहाँ पर है एप्रिसिएशन, यहाँ पर है फिर से ये देखिए। है तो कुछ ना कुछ ऐसा, बहुत आप टाइम लगाते, पता नहीं, मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये जिन्होंने भी पाइल चूज़ किया है, मैं भी, आप बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं इनको, जवाब नहीं दे रहे हो, कुछ ये पूछ रहे हो आपसे, ठीक है, उसके लिए मैं भी, और बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हैं, कभी कभी इनको लगता है कि इतना धैर्य रखना भी ठीक नहीं है। हालांकि एक्शन का कार्ड है, एक्शन तो आप लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप अटक जाते हैं, जो कि पास्ट लाइफ यहाँ पर आया है, कुछ तो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा अटकते हैं, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। एप्रिसिएशन का कार्ड है, तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि आपकी आपका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर आपको लोग तारीफ़ करते रहें तब तक तो आप काफ़ी आप में एक आप एनर्जी सी बनी रहेगी, और अगर आप किसी ने थोड़ा सा भी आपके बारे में निगेटिव बोला तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है, तो ये भी चीज़ मुझे लग रही है जो इनको पसंद नहीं है। इनका मानना ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम अगर किसी जर्नी में है तो कभी कुछ अच्छा होगा, धूप होगी तो छांव होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से मूड ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि अच्छा ही हो, अच्छा ही मिले। कुछ अगर निगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हो। डेविल, मैंने फिर से कहा कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और वही मैं बोल रही थी, वही देखिए हो गया।
बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया या फिर आपकी लाइफ में कुछ हो रखा है गाइस, अगर कुछ हो रखा है, जो साइकिल्स आपकी लाइफ में आते रहे हैं, आप काफ़ी पेन में रहे, जो कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप रहे हैं या फ्रेंड्स आपके कुछ ऐसे हैं जो कार्मिक थे या आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे रहे हैं, तो उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आप अटके रहते हैं गाइस, तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। हो सकता है आप ना अटकते हो लेकिन इनको लगता है, ठीक है ना, तो मैं वो बताऊँगी। तो कुछ यही कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और मैं भी कहूँगी कि ये उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ में, तो अगर कोई अच्छा बोले तो आप खुश हो जाओ, फिर कुछ कोई नेगेटिव बोल दे तो आप सैड हो जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद ये चीज़ अपने अंदर से चेंज कर लो। और ड्रीम्स देखना बुरा नहीं है, ड्रीम्स देखिए अच्छी बात है। इनको लगता है कि ड्रीम्स ऐसे देखो जिनको हासिल कर सको, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो कहूँगी कि आप देखिए, कोशिश करिए। और शायद आप इनको किसी चीज़ का वेट करवा रहे हो तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं है। मैं फिर भी कहूँगी डेविल की एनर्जी है तो थोड़ा कम निगेटिव सोचें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया साइकिल शुरू होगा तो वो निगेटिव ही होगा, और शायद इसीलिए ये 333 था यहाँ पर, तो पॉजिटिव रहें गाइस। मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है आज, मैं पानी पी लेती हूँ। ये होता है काढ़ा, पियो अच्छे के लिए हो जाता है कुछ ऐसा, खैर वो तो पीना पड़ेगा, आजकल ज़रूरत है हमें काढ़े की। तो गाइज़ यहाँ पर यही है, आपको कम से कम सोचना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि अगला जो आपकी लाइफ में साइकिल शुरू होगा, या आप अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हो इस पर्सन के साथ में, अगर ये पर्सन आपसे कह रहा है कि एक नई शुरुआत करते हैं और आप कहीं ना कहीं इस वजह से रुके हुए हो, इनको वेट करवा रहे हो कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, अभी तक तो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आपको पॉजिटिव रहना है, आगे की शुरुआत करनी है, आगे आप बढ़िए, शुरुआत कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। आई थिंक इसीलिए आपने 333 चूज़ किया। ओके गाइस, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, आपके पर्सन को आप में पसंद है या नहीं है, ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, 333 नंबर, एंजल नंबर चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो लाइक करिए, और अगर रेजोनेट करिए मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।